दोस्तों एक फ़ोन है Redmi की तरफ से Redmi Note 11 जो कि बजट रेंज में काफ़ी तगड़ा फ़ोन माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं कॉस्ट के हिसाब से। बट एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे एक और फ़ोन आ चुका है Motorola की तरफ से, अब Moto G52। ये बिल्कुल किल कर दिया यहाँ पे कंपटीशन Motorola ने। पिछले एक दो साल से बहुत ही अच्छे फ़ोन्स बना रही है Motorola, और यहाँ पे जो बजट सेगमेंट पे सीधा यहाँ पे गले पे वार किया गया Redmi को। और Moto G52 बहुत ही अच्छा एक फ़ोन बनाया Motorola ने। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँगा, इन दोनों फ़ोन्स को मैं कंपेयर करूँगा डिटेल में। तो अगर आप एक बजट फ़ोन लेने की सोच रहे तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि मैंने आगे जाके आपको डिटेल में इन दोनों फ़ोन को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले डिपार्टमेंट की, और यहाँ पर Motorola ने बिल्कुल छक्का सा ही मार दिया है, क्योंकि Motorola ने इस बार फर्स्ट टाइम एवर जो फ्लैगशिप के फोन्स में आता है POLED डिस्प्ले, जी हाँ दोस्तों, POLED जो प्लास्टिक OLED होता है वो यहाँ पर दिया है, और बहुत ही कम बेजल्स हैं। प्लास्टिक OLED होने के कारण यहाँ पे काफ़ी लाइट वेट लगता है फोन, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और काफ़ी ब्राइट कलर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे कंपैरिजन टू AMOLED। जो AMOLED बेसिकली क्या होता है, मेन डिफरेंस POLED और AMOLED में ये होता है कि जो AMOLED होता है वो ग्लास पे बनी होती है आपकी, और जो POLED होती है वो प्लास्टिक OLED होती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस, और काफ़ी तगड़ा काम यहाँ पे Motorola ने किया। Redmi Note 11 में आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है। अगर हम कंपेयर करें दोनों को साइड बाय साइड, तो यहाँ पे Moto G52 का डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन नज़र आता है। बात करें अगर डिस्प्ले स्मूथनेस की, तो यहाँ पे Motorola G52 और Redmi Note 11 में दोनों में आपको 90Hz का यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जो Moto G52 का जो रिफ्रेश रेट है वो अच्छा क्लीन स्टॉक UI होने के कारण ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है कंपेयर टू Redmi Note 11, क्योंकि इसमें MIUI है, और MIUI थोड़ा बगी और हैवी स्किन होती है, इस कारण यहाँ पे थोड़े आपको जिटर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे Moto G52 में आपको जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 360Hz का भी देखने को मिलता है, जिससे जो रिस्पॉन्स होता है, और गेमिंग में भी आपको ये अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लगेगी, और डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ नज़र आएगा Moto G52 में। तो यहाँ पे ओवरऑल जो डिस्प्ले है और डिस्प्ले स्मूथनेस है, तो Moto G52 फिर से जीत जाता है। तो बात करें अगर ब्लोटवेयर्स की, तो यहाँ पे Redmi में जो आपको पता ही है MIUI में बहुत सारे ब्लोटवेयर्स होते हैं, और बहुत सारे ब्लोटवेयर्स आपको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, जो अननेसेसरी आपकी स्टोरेज भी खाते हैं। और जो Motorola का फोन है एज इट इज, यहाँ पे क्लीन आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, कोई ब्लोटवेयर्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को ब्लोटवेयर्स वाइज, तो यहाँ पे Motorola अगेन यहाँ पे विनर साबित होता है। तो बात अगर करें परफॉर्मेंस की, तो प्रोसेसर दोनों में सेम है, स्नैपड्रैगन 680, और आप इसमें डिसेंट मल्टीटास्किंग और कैजुअल गेमिंग कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक वन स्टेप अहेड यहाँ पे Moto G52 हो जाता है। जैसे मैंने बताया 360Hz का यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, तो यहाँ पे गेमिंग में आपको थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा Motorola डिवाइस में, और थोड़ी सी यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस निकालेगा Motorola G50। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों फोन लगभग एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली अहेड हो जाता है Motorola अपने स्टॉक एंड्रॉइड और जो मैंने बताया टच सैम्पलिंग रेट के कारण। यहाँ पे थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस आपको Motorola G52 में देखने को मिल जाएगी। बात अगर करें ऑडियो डिपार्टमेंट की, तो जैसे Motorola की हमेशा से प्रॉब्लम रहती थी कि मोनो स्पीकर्स देता था, और बहुत ही हल्के यहाँ पे स्पीकर्स देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ पे Motorola ने हम यूट्यूबर्स की बात सुनी है, और यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पे दिए बजट रेंज में, जो बहुत ही रिच और बहुत ही अच्छा लाउड एक्सपीरियंस आपको देंगे। और इसमें डॉल्बी एटमॉस होने के कारण यहाँ पे काफ़ी आपको सराउंड साउंड, अच्छा साउंड देखने को मिलेगा, प्रॉपर बेस सुनने को मिलेंगे, और ट्रेवल भी आपको अच्छे देख सुनने को मिलेंगे यहाँ पे कंपेयर टू Redmi Note 11, उसमें भी आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो Moto G52 उसका जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर आपको नजर आएगा। बात करें बॉडी की, बैक साइड की जो बॉडी है, दोनों में आपको प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलेगी। Motorola थोड़ी मेट फिनिश के साथ यहाँ पे आता है, लेकिन फिंगरप्रिंट के निशान आप दोनों में महसूस करोगे, दोनों में आपको दिख जाएंगे फिंगरप्रिंट के निशान। लेकिन यहाँ पे एक ये पर्सनल चॉइस हो जाती है आपको कौन सा बैग पसंद है, क्योंकि जो Redmi Note 11 है थोड़ा ग्लिटरिंग बैग के साथ आता है, थोड़ा चमकीला टाइप का उसका बैग है, वहीं जो Motorola का बैग है वो आपको प्लेन अच्छा एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल बैग देखने को मिलेगा, जो प्लेन ब्लैक टाइप का आपको बैग देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली हम उसमें कवर यूज़ कर लेते हैं, तो बैग का मैं उतना नहीं मानता, स्टिल ये सब्जेक्टिव हो जाता है हर बंदे के हिसाब से, उसकी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन जो अल्टीमेटली बैग यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट का ही देखने को मिलेगा दोनों डिवाइसेज। दोस्तों बात अगर करें कैमरा डिपार्टमेंट की, दोनों फोन्स में आपको 50+8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिल जाएगा बैक साइड पे, और दोनों फोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो Motorola की जो इमेज क्वालिटी इस बार इंप्रूव हुई, ऑप्टिमाइजेशन पे इसमें उन्होंने अच्छा ध्यान दिया है, और जो खासकर जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है उसमें कलर शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जनरली 8 मेगापिक्सल के जो भी अल्ट्रा वाइड होते हैं उनमें जो आप नॉर्मल बैक्स के सेंसर से फोटो लेते हो और कंपेयर करते हो 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड को, उसमें कलर शिफ्ट देखने को मिलता है, काफ़ी बेकार से एक सॉफ्ट से कलर देखने को मिलता है यहाँ पे। लेकिन Motorola ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और जो कलर साइंस है दोनों मेन लेंस और अल्ट्रा वाइड में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और फ्रंट सेल्फी भी जो है यहाँ पे Moto G52 की बेटर आती है, शार्प आती है कंपेयर टू Redmi Note 11। तो अगर कैमरा डिपार्टमेंट की भी बात करें, तो यहाँ पे Motorola G52 अगेन विनर साबित होता है। अगर बात करें एंड्रॉइड वर्जन की और फ्यूचर अपडेट्स की, तो यहाँ पे Motorola ने बहुत अच्छा काम किया, और आपको एंड्रॉइड 12 यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है कंपेयर टू Redmi Note 11, जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज ले जाता है Motorola,
था, और जो अपडेट्स हैं उसमें भी यहाँ पे मोटोरोला ने आपको 2 साल के OS अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस अपडेट्स का देने का वादा किया है। वैसे तो मोटोरोला पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अपडेट्स के मामले में अच्छा नहीं जाना जाता, लेकिन स्टिल अगर हम कंपेयर करें Xiaomi की डिवाइस से Redmi की डिवाइस से तो यहाँ पे बेटर एटलीस्ट उन्होंने वादा किया है। यहाँ पे Xiaomi और Redmi ने एटलीस्ट ऐसा कोई वादा नहीं किया कि कब तक आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो मोटोरोला G52 अपडेट्स और एंड्रॉइड वर्जन के हिसाब से भी यहाँ पे अव्वल दर्जे पे अगेन आता है। बैटरी डिपार्टमेंट और फास्ट चार्ज में लगभग फोन, ये दोनों फोन एक जैसे ही साबित होते हैं, क्योंकि दोनों में आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो सवा दिन आपके चल जाएगी, बेसिकली एक से सवा दिन। और जो फास्ट चार्जर है Redmi Note 11 में 33 वॉट का देखने को मिलता है, और Moto G52 में आपको 30 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। तो लगभग आपको ये एक से डेढ़ घंटे के आसपास यहाँ पे फुल चार्ज करके देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके जो यूसेज होगा उस पर भी डिपेंड होगा कि आप कैसा आप यूज़ करते हो अपने फोन को, हिसाब से आपकी बैटरी चलेगी ड्रेन करेगी। तो जो बैटरी और फास्ट डिपार्टमेंट फास्ट चार्जर का डिपार्टमेंट लगभग दोनों में एक जैसा ही है, दोनों में आपको एक जैसा ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो लास्ट अब बात करता हूँ इन दोनों की प्राइसिंग की। बेसिकली दोनों फोन अंदर 15,000 आते हैं, और जो कभी कभी डिस्काउंट लगते रहते हैं तो उस हिसाब से प्राइस वेरी करता है। लेकिन Redmi Note 11 का तो जो बेस वेरियंट है आपको 13,500 का देखने को मिल जाता है जनरली, और जो Moto G52 का बेस वेरियंट है 4GB वाला आपको 14,500 का देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली डिस्काउंट के हिसाब से थोड़ा वेरी भी कर सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छी दोनों वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। लेकिन मेरे हिसाब से Moto G52 बेटर यहाँ पे निकल के आता है, जितने भी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताए, जितने भी कंपैरिजन बताए, Moto G52 Redmi Note 11 से बहुत ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। दैट्स इट, यही था आज के वीडियो में, इन दोनों का कंपैरिजन करके बताना चाहता था, और कौन सा फ़ोन बेस्ट निकलता है वो मैं आपको बताना चाहता था। आप समझ गए होंगे कौन सा बेस्ट फोन है। मेरे हिसाब से Moto G52 ज़्यादा बेटर निकल के आता है कंपेयर टू Redmi Note 11। अगर आप कोई अच्छा बजट 4G फोन खरीदना चाहते हैं तो Moto G52 को ले सकते हैं, आपको निराश नहीं करेगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से करना, एक लाइक करते हो तो आप काफ़ी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो चैनल में देखने को मिल जाएंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। रखिए अपना ख्याल, जल्द होगी आपसे मुलाकात, एंड गुड बाय।